हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करते हैं जो कि है मैथ की बुक का क्लास 10th की। ठीक है, तो इसमें पता है हमें क्या दिया है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल। मतलब ये टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं एक सर्किल पर, चलिए ठीक है, विद सेंटर ओ, सर्किल का सेंटर ओ दिया है और एक्सटर्नल पॉइंट है टी। ओके, फिगर में साफ साफ दिख भी रहा है और ये गिवन भी है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू मीन ये एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, यानी इस एंगल का ट्वाइस इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। यू नो फिगर देख के हमें पता लग रहा है कि इसका इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यू नो, तो हमें क्या करना है, छोटा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आने के इसके चांस भी हैं, ध्यान से समझिएगा। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आपने शायद सर्किल चैप्टर में ये पढ़ा हो कि ये टू टेंजेंट्स अगर हमने किसी सर्किल पे ड्रॉ किए किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का है, आपको पता होगा 90 डिग्री का थ्योरम भी है। ठीक है, अगर ये भी 90 हुआ, ये 90 होता है और ये भी 90 होता है क्योंकि ये भी तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है। अब इस होल क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल का सम जो होता है वो होता है 360, तो ये तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो भाई ये x है और ये y है, तो x प्लस y प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 होगा, तो x प्लस y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 डिग्री। तो आपको इतना ज़्यादा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि इन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन जो हमने किया वो लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू क्यू, हमने इसको ज्वाइन कर दिया जो कि ये रेडियस बन गई। नाउ यहां से हम इसका सॉल्यूशन देते हैं, तो एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, ये और इस एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल पी ओ क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू, ये बात समझ में आ रही है ना, ये टी अलग है वर्टेक्स, ठीक है, ये बात क्लियर है, समझ में आया ना, तो इस एंगल की हमने वैल्यू यहां से निकाल, क्लियर है ना, समझ में आया ना भाई, इन टू एंगल का सम कितना होता है 180, तो हमने पी ओ क्यू की वैल्यू निकाल ली 180 माइनस एंगल पी टी क्यू, क्लियर है ना। नाउ अब लीजिए आप ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्योंकि अब हमें इसका रिलेशन भी तो चाहिए ना, इस एंगल की नीड थी और इस वाले एंगल की नीड थी, है ना, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, यहां से पीओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। ओके, अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखिएगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है, यू नो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बताओ क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू वो है आइसोस्केलिस, किसी भी आइसोस्केलिस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, तो आपको क्या लिखना है, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना, इन सभी एंगल का सम 180 होगा, नहीं होगा, इस एंगल का प्लस ये बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये बात क्लियर है। ओके, अब एक काम करिए, यहां से एंगल पी ओ क्यू की तो वैल्यू हम पुट कर देंगे और ये टू एंगल्स इक्वल है कि नहीं, तो हम इसी को टू टाइम ओ पी क्यू लिख सकते हैं ना, मतलब ये वाला तो एंगल तो हमारा ओ पी क्यू है प्लस इसको भी हम एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है, चाहे तो आप एक बार साइड में लिख भी देना, मैं अभी लिख भी दूंगा, प्लस एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, कुछ बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है, सिंस यहाँ रीजन में भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक रीजन भी आप लिख दीजिए, सिंस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, ठीक है, ये टू एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ट्राइंगल आइसोस्केलिस है, ये उधर जाके माइनस का हो जाने वाला है, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपस में। ओके, तो ये दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आ गया, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू, बस वही हमें प्रूफ करना था, हो गया, नहीं हो गया प्रूफ,
हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।